शहर में अनैतिक संबंध के कारण वाद विवाद में दो भाइयों ने एक ई रिक्शा चालक पर जानलेवा हमला बोल दिया। दरअसल ये वारदात मेडिकल चौक परिसर की बताई जा रही है, जिसमें जख्मी का उपचार शुरू हुआ है, तो वही पुलिस ने दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। नागपुर शहर में एक बार फिर अनैतिक संबंध के कारण चल रहे आपसी विवाद में दो भाइयों ने एक ई रिक्शा चालक पर जानलेवा हमला बोल दिया। ये वारदात मेडिकल चौक परिसर में हुई है। पुलिस ने दोनों ही आरोपी भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने रामबाग निवासी सचिन नरेश धनविजय की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि सचिन ई रिक्शा चलाकर अपना उधर निर्वाह करता था, तो वहीं पकड़े गए आरोपियों में सावित्री बाई फुले नगर निवासी मोनू उर्फ संतोष गौतम निकोसी और रामबाग निवासी बॉबी गौतम निकोसी का समावेश है। गुरुवार की शाम सचिन अपनी ई रिक्शा पर सवारी लेकर टुकड़ोजी पुतला की ओर जा रहे थे। मेडिकल चौक पर गनगौर रेस्टोरेंट के सामने मोनू और बॉबी ने सचिन का रास्ता रोका, उस पर डंडे से हमला कर उसके सिर पीठ और कमर पर कई प्रहार किए और घटनास्थल से फरार हो गए। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद अजनी पुलिस मौके पर पहुंची। एक घटना जी मेडिकल चौक मेडिकल हॉस्पिटलच्या बाजूला मेडिकल चौक या ठिकाणी ही घटना झालेली आहे। यामध्ये ई रिक्षा चालक नामे सचिन धनविजय राहणार रामबाग उस्ते इमामवाड्याच्या हद्दीतील राहणारे आहे आणि यातील आरोपी आहेत दोन सोनू निकोसी आणि मोनू निकोसी, दोघेही एक भाऊ आहेत। हे सोनू निकोसी आणि बॉबी निकोसी हे दोघे भाऊ आहेत, हेही रामबागमध्ये राहणारे आहेत, हे एकमेकाच्या परिचित आहेत। परंतु यातील जो आरोपी आहे मुख्य आरोपी संतोष निकोसे याने फिर्यादी सचिन धनविजय याचे पत्नीसोबत प्रेमसंबंध असल्याने त्याची पत्नी ही या आरोपीच्या सोबत गेले 1.5 वर्षापासून राहत आहे अजनी पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत सावित्रीबाई फुले नगर या ठिकाणी, आणि 1.5 वर्षापासून ते दोघे वेगळे राहत आहेत। या गोष्टीचा राग त्या दोघांच्याही मनामध्ये होता आणि त्यावरून त्यांचे एकमेकांशी वादविवाद होते। त्याच कारणाने या संतोष निकोसे याने आणि त्याच्या भावाने लाकडी राप्टरने जखमीला हातावर डोक्यावर मारून गंभीर जखमी केला आहे। त्या अनुषंगाने आम्ही 307 गुन्हा दाखल केलेला आहे। दोन्ही आरोपींना अटक करण्यात आली आहे, पुढील तपास चालू आहे। पूछताछ में सचिन ने बताया कि उसकी पत्नी के मोनू के साथ प्रेम संबंध थे। 2 वर्ष पहले ही वह बच्ची और कीमती वस्तु लेकर घर छोड़कर चली गई। तब से उसका और मोनू से विवाद चल रहा था, इसी वजह से मोनू ने उस पर जानलेवा हमला बोल दिया। फिलहाल पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एनबीसी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भरद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।